मुझ पे कभी भी तर्स मत खाना कि भाई इसके वालिद तो लापता हैं या इसके वालिद तो हैं नहीं, तो इस बेचारी है ये। मैंने कहा मुझे भी उसी तरह नॉर्मली ट्रीट किया जाए। हम ईद सेलिब्रेशन एक साथ करते, हम फेस्टिवल्स एक साथ मनाते, फादर्स डे एक साथ ही मनाते। कभी फील होता है कि मैं अंदर से डेड हूँ बिल्कुल, मुझे कोई चीज फील ही नहीं होती है, किसी ख्वाहिश मेरे कोई ख्वाहिश मेरे जहन में नहीं आती है। पाकिस्तान में जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद का मामला एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले की तरह है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का पहला केस 1970 की दहाई में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद से अब तक सैकड़ों अफराद जबरी लापता लोगों की अनदेखी फहरिस्त में शामिल होते रहे हैं। लापता अफराद के कमीशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान से 2122 अफराद लापता हैं, जिनकी बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरने और रैलियाँ भी देखने में आई हैं। इन धरनों में लापता अफराद की माएं, बहनें, बीवियां और बेटियां पेश पेश रही हैं। जो लेंस है वहां पे आपको देखना है। हमने इस मामले के बारे में मजीद जानने के लिए चंद लापता अफराद की बेटियों से बात की और जानने की कोशिश की कि उनके लिए एक लापता शख्स की बेटी होने का मतलब क्या है। 9 साल की थी जब मेरे वालिद साहब को उठा के लेके जाया गया था और अपने बाबा को ढूंढने के जद्दोजहद कर रहे हैं। 15-16 ईयर्स की थी जब मेरे वालिद लापता हुए। बाबा के बाद हमारे ना तो पढ़ाई चल रही है ना तो कुछ हो रही है, घर के हालात भी बहुत खराब हो गए हैं। इन 12 सालों में हमने हर तरह की जद्दोजहद की है, हम तमाम हर तरह के प्लेटफॉर्म्स पर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लापता अफराद के लिए बनाया गया जो कमीशन है उसमें भी हम मौजूद रहे हैं। मुझे याद है कि मैं उनकी पोनियाँ बनाती थी, उनके ऊपर पाउडर लगाती थी, वो लेटे होते थे एंड आई यूज्ड टू डू दैट। वो एक मेरी डिस्टिंक्ट उनके साथ मेमोरी है। मैं ट्यूशन में थी और मैंने बाबा को कॉल किया कि वो मुझे आके ट्यूशन से पिकअप कर दे और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं थोड़ा बिजी हूँ। जब तक मैं घर पहुंची तो मेरे बाबा नहीं थे। ऑपरेशन हुई थी उसके बाद मुझे याद है मेरे बाबा मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए थे, मेरे बाबा मेरे लिए यखनी लेकर आए थे। मैं बहुत ज्यादा उनके सामने नखरे करती थी, लाड प्यार करती थी। वो सम्मी नहीं बन सकती, मेरी जो है जिंदगी के ख्वाहिशात खत्म हो गए हैं, मेरी इंटरेस्ट, मुझे किसी चीज में दिल नहीं लगता, मेरी बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गई है। मेरा एक टॉपिक था इंग्लिश का कि स्टोरी ऑफ योर लाइफ, तो मैंने उस टाइम वो डिसीजन लिया कि मैं ये स्टोरी पूरी क्लास को सुनाऊंगी आज। तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर था एंड मैंने सबको वो स्टोरी सुनाई विद पिक्चर्स अबाउट माय फादर एंड अबाउट द स्ट्रगल और तमाम जितनी भी चीज़ें हम मैंने की थी थ्रू आउट मेरी जिंदगी में वो मैंने उसमें मेंशन की। और उसके बाद वो बताने में बहुत आई वाज शेकिंग, पूरा टाइम मैं कांप रही थी वो बताते हुए, बट वो बताने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अब बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए तब भी मतलब मैं ऐसे घबराती नहीं हूँ, पहले छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी लेकिन अब मैं ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं थी मैं, अब मुझमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया है। मैं लोगों को फेस कर पाती हूँ, अपनी बातें क्लियरली बता सकती हूँ। वैसे ही बचपन की जिंदगी गुजार रही होती, वैसे ही कुछ खरीदने से पहले कुछ सोचती नहीं कि आया मैं मतलब मैं अगर ये खरीदूँ तो मेरे लिए मेरे फैमिली के लिए कोई बर्डन नहीं होगी। मैं इस वक्त एक शरारती एक आम लड़की होती जो दोस्तों के साथ बाहर जाती है, पार्टीज करती है, जो छोटी छोटी बातों पे नखरे दिखाती है, छोटी छोटी बातों पे नाराज होती है, उसको मनाने वाले होते हैं। मैं अपने बाल संवारती, मैं लिपस्टिक लगाती, मैं सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें लगाती। मेरी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना, तो अभी तो मैं अपनी जॉब से के साथ ही होती ना डॉक्टर बन चुकी होती, या मेरी पढ़ाई चल रही होती जो पिछले 4 सालों में नहीं हुई है। वो शॉक में चले जाएंगे मुझे देख के पहली बात, और मैं उनको देख के, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, 16 साल हो गए। सारी सारी शिकायतें करूंगी उनसे, जमाने की शिकायतें जिन जिनसे जिन्होंने उनके बारे में, जिन्हें वो दोस्त कहते थे और वो जो जो दुश्मन निकले उनके बारे में उन्हें बताऊंगी, किस किस ने तकलीफ किस किस तरह से तकलीफ दिया, उन चीजों के बारे में बताऊंगी मैं। बहुत सारी बातें हैं जो बाबा से कहनी है जिंदगी के बारे में, जो अभी तक हमारा साथ हुआ है, हमें तो बहुत खुशी होगी अगर बाबा हमें अभी मिल जाए तो। हम तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे उससे, इस साल दिल में कितनी सारी बातें हैं जो उनसे कहनी। पहले उनको बहुत जोरों से हक करूंगी,
بہت زیادہ روؤں گی. میں تب تک نہیں روئی ہوں جب تک تم واپس نہیں آئے ہو.